दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों की तरफ। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। बिल्लौर के मकनपुर रोड पर बने अक्षय पैलेस का हुआ उद्घाटन। उक्त मौके पर उपस्थित रहे लोगों में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, सांसद अशोक रावत और विधायक भगवती प्रसाद सागर आदि प्रमुख अतिथि के रूप में रहे। बड़े जोशों खरोश के साथ संपन्न हुआ अक्षय पैलेस का उद्घाटन, जहां उपस्थित रहे सैकड़ों की संख्या में नगरवासी, अधिवक्तागण, क्षेत्रवासी व पत्रकारगण। कार्यक्रम के अंत में एंग्लो इंडियन न्यूज के संवाददाता संजय त्रिपाठी ने शिवराजपुर से फतेहपुर चौरासे की तरफ जाने वाले रोड पर बने सैयद के लोगों के लिए कि आगे छोटे भाग को सुधारने के लिए राज्य मंत्री से किया आग्रह। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मंत्री जी ने। मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आदरणीय अखिलेश कटियार जी ने, आदरणीय जेपी कटियार जी ने जो पहल करी है। यहाँ की बहुत सारे सामाजिक समारोह होते थे, लोग कठिनाई महसूस करते थे और व्यक्ति जीवन भर प्रतीक्षा करता है कि उसके परिवार में जब इस प्रकार का आयोजन हो तो उसकी थोड़ी भव्यता दिव्यता हो, सुंदरता से हो, व्यवस्थित हो। मेहमानों को बुलाता है, भव्यता दिव्यता में चार चांद लगाने आ गए हैं, इस क्षेत्र में लग गए हैं। मेरी पुनः बहुत बहुत बधाई है और आदरणीय अखिलेश कटियार जी को, आदरणीय जेपी कटियार जी को, जिन्होंने आगे आकर क्षेत्र की इस आवश्यकता के बारे में सोचकर इस प्रकार का यहाँ पर निर्माण किया है। माननीय सांसद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक भगवती सागर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का उनको इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि कम से कम महीने में एक दिन ऐसा रखा जाए जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या कोई मंत्री आकर के लोगों को समय दे, लोग अपने स्वच्छंद तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रह सके। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के काम करने का एक तरीका है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो संगठन की गतिविधियों में लगे, लगातार अनवरत। और हमारे यहाँ कार्यक्रम ही इस प्रकार से नियोजित होते हैं कि लगातार संवाद और संपर्क हमारे जनप्रतिनिधियों का आम लोगों से लगातार बना ही रहता है। मैडम, एक जन समस्या है, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। शिवराजपुर से जो ये फतेहपुर चौरासी की तरफ रोड गया है, जो सरैया घाट है ना, वहाँ पर पुल बहुत दिनों से टूटा हुआ है। अब तो इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, लोगों को आशा है कि अब तो बन जाएगा। इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके आवाज़ तो मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंची होगी, आपके प्रशासन तक आवाज़ से पहुंची होगी, शासन तक पहुंची होगी। आपके माध्यम से ये विषय आया है, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानती हूँ कि आदरणीय विधायक जी, सम्माननीय सांसद जी ने निश्चित रूप से ये विषय, वो प्रोसेस में होगा और अभी जैसी आवाज आ रही है ये 15-20 दिन में इसकी प्रक्रिया शुरू हो, ये जन समस्या है और लोग यहाँ के लोग चाहते हैं, माननीय विधायक जी से भी चाहते हैं कि एक दिन ऐसा रखा जाए महीने में जब यहाँ के लोग अपनी बात को आपके सामने रख सके। नवंबर में चालू होने वाला उद्घाटन होने वाला, बड़ी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन हकीकत है, अगर धरातल पर देखा जाए तो आपके चैनल क्या नाम है? एंग्लो इंडियन न्यूज। एंग्लो इंडियन जी, चलिए, लेने में मुझे कठिनाई है। हाँ, संस्कृति में एंग्लो इंडियन न्यूज जी, उसमें एंग्लो जैसा कुछ मिला नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने नाम रख लिया है तो मुझे कहना पड़ रहा है। आप जिस भी नाम से, जिस भी चेहरे से आएंगे, आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, आपका सम्मान है। मेरी बात कृपया पूरी हो जाने दें। जी जी, आपने जो सवाल रखा है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता हमारा आधार है जी, पूरी जानकारी के साथ, और उसके साथ आप अगर अपने काम को पूर्णता देंगे। जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, सम्मानीय विधायक जी ने जो पहले मंत्री रहे हैं और लगातार संवेदनशीलता के साथ लोगों से जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी में संभवता नहीं रहा है। ओके, थैंक यू।